मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़कर कुछ हासिल नहीं होता जब तक हौसलों में उड़ान नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को लेकर हो रही थी। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं और उससे संबंध में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनकी संस्कृत परंपराएं, उनके धर्म, उनके देवी देवताओं, उनके निवास स्थान, उनकी विशिष्ट जो प्रणालियां होती हैं, उनके संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीएससी ने इसके पहले किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, उन समस्त बिंदुओं पर और साथ ही ये देखेंगे कि प्रश्नों के आधार पर जो ऑप्शन दिए रहते हैं उस पर हम नए प्रश्न कैसे बना सकते हैं। थोड़ी बहुत ऐसी चर्चा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और प्रश्नों पे आते हैं सीधे। अगर सिलेबस की बात की जाए तो हमारी चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति संस्कृत को लेके। ये हमारा स्पष्ट रूप से हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, संस्कृत परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब संस्कृत की चर्चा होगी तो उसमें हम केवल एक जनजाति के विषय में नहीं पढ़ेंगे, सारी जनजातियों की संस्कृतियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर चाहे वो भील की बात हो, फिर चाहे वो गोंड को लेके बात हो, फिर चाहे भारिया हो या सहरिया हो या बैगा हो या कोल हो, समस्त पहलुओं पर बात करनी आवश्यक हो जाती है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों पर आते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसमूह कोरकू जनजातियों से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंदोर, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उपसमूह कोरकू जनजाति से संबंधित है में बताना है, मैंने नहीं कह दिया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंदोरिया, ऑप्शन बी सोलहास, ऑप्शन सी रोहिया, ऑप्शन डी पंडो। तो आपको यहां पर एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। जैसे सोलहास को तो आप सीधा हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ये गोंड की एक उपजाति है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। रोहिया की अगर बात करें तो ये कोलो के उपजाति है, कोलो की उपजाति है। इसके अतिरिक्त अगर पंडो की बात करो तो पेंडो या पंडो ये हमको किस में मिलती है? भारिया की, जो भारिया जनजाति है, पीवी टीजी ग्रुप से संबंधित जो जाति है, पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, उसमें उसकी उपजाति एक क्या मानी जाती है? पंडो। तो आप बताइए कि सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? बंदोरिया। तो कोरकू से संबंधित जो उपसमूह है वो क्या है? बंदोरिया। इसके अतिरिक्त कोरकू के अन्य उपजातियों के बारे में हमको पता है, जैसे नहाला, पोथरिया, नहाला पोथरिया बंदोरिया जैसे अन्य समूहों के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा रिमोट है कभी कभी काम नहीं करता है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का कौन सा उपवर्ग पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोथरिया, ऑप्शन बी भुईधर, ऑप्शन सी बैगास, ऑप्शन डी धुरवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोथरिया। देखिए, मध्य प्रदेश में जो पोथरिया होती है वो मुख्य रूप से जो आपके बिंध प्रदेश वाला क्षेत्र होता है और बघेलखंड वाला क्षेत्र होता है, बिंध प्रदेश प्लस बघेलखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। और अगर इन कोरकू जनजातियों की उस क्षेत्र की बात की जाए तो कोरकुओं की एक विशिष्ट पहचान होती है, वो होती है क्या? सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा, एक सिडोली प्रथा से एक जुड़ा हुआ शब्द मिलता है मंडो। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तीसरे दिन जो समाधि स्थल होता है वहां पर लकड़ी का एक चिन्ह लगाया जाता है, एक स्तंभ लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या? मंडो। तो किससे संबंध रखती है? कोरकू जनजाति से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजात कितने गोत्रों में वर्गीकृत है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 40।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 36। देखिए जो कोरकू जनजाति है अपने अपनी जो एक विशिष्ट पहचान लेके रखती है जिसको बोलते हैं गोत्र व्यवस्था, और गोत्रों में ये किसको मानती हैं, टोटम को मानती हैं, टोटम बाद को मानती है। अब ये जो टोटम होता है एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है जो वन पशु व जंतुओं पर आधारित होता है। तो जितने गोत्र होते हैं उनके लिए विशिष्ट एक प्रकार के क्या मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, टोटम बोला जाता है। तो हमारे जो कोरकू जनजाति है उसके कितने गोत्र देखने को मिलते हैं, 36 गोत्र देखने को मिलता है जो इनकी विशिष्ट पहचान को इंगित करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की मान्यता रही है कि सर्प आक्रमण से रक्षा मोर या मयूर के माध्यम से की जाती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अगरिया, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी कोरकू या ऑप्शन डी गोंड। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए मयूर जो होता है अर्थात मोर जो होता है वो कोरकुओं का एक विशिष्ट पहचान होती है, कोरकुओं का एक विशिष्ट चिन्ह होता है। ये मोर को अति पवित्र मानते हैं, अपने धर्म से संबंध में जोड़ के रखते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है। साथ ही इनका ये मानना होता है कि अगर मयूर की हम पूजा करते हैं तो जो सर्प है उसके आक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। अब आपको बताना है कि जो मयूर है वो किसकी सवारी होती है मयूर, तो इसका सही जवाब होगा क्या, कोरकू। और अगर अगरिया की बात की जाए तो अगरिया में आपने देखा होगा कि इनके प्रसिद्ध देवता कौन होते हैं, लोहा सुर, जो अग्नि की भट्टियाँ होती है उनको उनमें इनका निवास स्थान मानते हैं, और काली मुर्गी उन पर क्या चढ़ाते हैं, बलि देते हैं। फिर कंवर की अगर बात की जाए इसको कमार भी बोलते हैं, कमार भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से ऐसी जनजाति मानी जाती है जो फौज में शामिल होना या सैन्य कार्य करना अपना पेशा समझती है, सैन्य कार्य करना अपना पेशा समझती है। ये कवर की बात हो गई, कोरकू के बारे में तो बता ही दिए, फिर गोंडों के बारे में आपको मालूम ही है, और आगे प्रश्न जब आएंगे तो इनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, पटेल अनुभवी व्यक्ति हैं, पड़ियार कोरकुओं में पूज्य एवं अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, भोमका कोरकुओं का पुरोहित होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन कौन से हैं या कौन सा है, पहचान कीजिए। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीएससी जब इस प्रकार के प्रश्न पूछती है जिसमें ऐसा रहता है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा, तो लगभग 90% चांस उसके सही होने के होते हैं। तो अगर मान लीजिए पेपर आप देने जाते हैं और कोई चीज़ आपको ध्यान नहीं आती है तो आप उसमें उपरोक्त सभी लगा के चीज़ों को कर सकते हैं, हालांकि वो 90% ही चांस होता है। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा, अगर 10% चांस भी गलत होता है तो फिर बताओगे कि सर ने ऐसा बताया था तो ऐसा हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चीज़ें आनी भी चाहिए, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप इस चीज़ का अनुभव ले सकें। तो बिल्कुल सही बात है कि पटेल जो होता है कोरकुओं का एक अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जो पंचायतों में, जो पटेल जो कोरकुओं की पंचायत होती है उनमें विशिष्ट स्थान रखता है। पड़ियार भी एक प्रमुख क्या होता है, व्यक्ति होता है, पूज्य में अति विशिष्ट व्यक्ति होता है, और भूमिका जिसको ओझा भी कहा जाता है इनकी भाषा में, ये भी इनका क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। साथ ही पटेल जो होता है इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं क्या, महाजन, महाजन नामक एक व्यक्ति भी देखने को मिलता है जो पटेल के कार्यों को सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारिया की उपजातियां कौन कौन सी हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भूमिया, ऑप्शन बी भुईहार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान सा सवाल है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि भूमिया भुईहार और पेंडो ये तीन जनजातियां ही होती हैं जिनकी उपजातियां में शामिल होती हैं। अब देखिए भारिया की अगर बात किया जाए तो भारिया के संबंध में रसेल और हीरालाल, रसेल व हीरालाल जो
एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इन्होंने मध्य भारत की और सेंट्रल प्रोविंस के जनजातियों के संबंध में एक किताब जारी की थी। उस किताब में जो भारिया जनजाति है उसके बारे में जिक्र किया था और इनका निवास स्थान उन्होंने क्या बताया था, बांधवगढ़ या महोबा। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारियाओं का निवास स्थान मूल रूप से कहाँ माना गया है, और ऑप्शन में ऐसी कुछ बातें भी आ जाती हैं, या बांधवगढ़ या महोबा, तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लगा सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों को मानना है, बहुत वैज्ञानिकों का मानना है और शोध अनुसंधान करने वालों का मानना है कि जो भारियाओं का निवास स्थान है तामिया विकासखंड में माना जाता है। तामिया विकासखंड जो छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है, और यहीं पर एक स्थान है, कौन सा, पाताल कोट। वहाँ पर कुछ विद्वान इनका निवास स्थान मानते हैं, मूल निवास स्थान मानते हैं। लेकिन जो रसेल और हीरालाल समाजशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने इनके विषय में अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि ये बांधवगढ़ या महोबा से संबंध रखते हैं। भारिया के संबंध में अनेक कहानियाँ मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वन की ओर गए थे तो भारिया भी उनके साथ गई थी, लेकिन जब भगवान राम वन से लौट आए थे तो भारिया वन से लौट नहीं पाई थी, वहीं पर उनका निवास स्थान हो गया, इसीलिए इनको भारिया कहा गया। और भी कहानियाँ मिलती हैं भारिया के बारे में कि जब महाभारत में पांडवों का वनवास चल रहा था तो अर्जुन ने भार घास से कुछ लोगों को बनाया, वही क्या कहलाई, भारिया कहलाई। तो ऐसे कुछ किंवदंतियाँ हैं भारिया के संबंध में। और अगर इनके अर्थों की बात किया जाए कि भारिया का क्या अर्थ होता है, तो भार ढोने वाले जनजातियाँ। अब भारिया के बारे में आपको पता है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, अर्थात PVTG ग्रुप में शामिल है। PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। और इसी के लिए एक जो भारत सरकार है उसके माध्यम से एक योजना चलाई जा रही है, उस योजना को बोलते हैं प्रधानमंत्री जन मन योजना। अब आपको बताना है कमेंट में कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, प्रधानमंत्री जन मन योजना कब प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य अगर मैं बात करूं कि जनमन योजना का क्या उद्देश्य है, तो जो PVTG ग्रुप है, जो जनजाति समूह है, इनके संबंध में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उनका वास्तविक लाभ जनजातियों लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसी चीज़ का परीक्षण करने के लिए और उनको लाभ दिलवाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति के गोत्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। हमारे ऑप्शन हैं जिसमें पहला है खमरिया, दूसरा है भरदिया, तीसरा है बगोरिया, चौथा है रवातिया, और फिर इनके आधार पर तथ्य दिए हुए हैं केवल एक व दो, केवल दो व तीन, केवल एक दो तीन, या सभी कूट सत्य हैं। तो जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो भारिया की उपजातियां हैं, जो भारिया के गोत्र व्यवस्था है, उसमें ये चारों चीज़ें शामिल है, चारों गोत्र शामिल है। खमरिया किसको बोला जाता है, जो खेमर वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं, उन गोत्रों को क्या बोला जाता है, खेमर वृक्ष बोला जाता है। भरदिया मुख्य रूप से जो बेल का पेड़ होता है, बेल का वृक्ष, उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार बगोरिया जो होता है ये बाघों की पूजा करते हैं, बाघों की पूजा करते हैं। इस प्रकार अनेक आधारों पर कई सारे गोत्र इनमें देखने को मिलते हैं, लगभग 52 गोत्र इनमें देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई हमारी किस पे, भगोरियाओं के गोत्रों के बारे में। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारिया किस स्थान पर रहते हैं। हमारा ऑप्शन है ढाना, ऑप्शन बी कू, ऑप्शन सी फाल्या, या ऑप्शन डी बसाहट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ढाना। तो ढाना में निवास करने वाले कौन कहलाते हैं, भारिया कहलाते हैं। कू की अगर बात की जाए तो
तो को के बारे में हमको जानकारी है कि जो भील जनजातियों के हाउस होते हैं, जो घर होते हैं, उनको बोला जाता है क्या? कु। तो भीलों के घरों को कु कहा जाता है। फाल्या, फाल्या के बारे में आपको बता दूं तो फाल्या भीलों के जो घर होते हैं उनके समूह को कहा जाता है, उनकी बस्ती को कहा जाता है। तो फाल्या भीलों की बस्ती को कहा जाता है, भीलों की बस्ती। बसाहट तो सामान्य हिंदी भाषा का शब्द है जिसके अंतर्गत ये जानने को मिलता है किसी स्थान पर लोगों का ऐसा निवास स्थान है। जैसे आप देखते होंगे कि विभिन्न शहरों के बीच में भी जो नगर स्थापित होते हैं तो उनमें बोलते हैं उनकी बसाहट यहाँ है, या फिर जो छोटे लोग इस्तेमाल झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं उनको बारे में क्वेश्चन मिलता है कि इनकी बसाहट यहाँ है। तो भारिया मुख्य रूप से किस स्थान पर रहती है? उसका नाम है ढाना। अब आपको एक कमेंट में एक और चीज़ बतानी है कि ढाना के संबंध में एक और जनजाति का निवास स्थान माना जाता है, और आपको इसी चीज़ का बताना है कि वो कौन सी जनजाति है जिस पे उनका निवास स्थान ढाना माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारिया जनजाति में मगनी विवाह के बारे में सत्य कथन है। हमारे ऑप्शन है, लड़की वाले लड़के के यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं। नंबर दो, मंडप को मौड़ मौड़िया कहा जाता है। नंबर तीन, बारात निकालते समय स्त्रियां लड़की को पकड़ लेती हैं जिसे बाराती छुड़ाते हैं, इसे बाता छुड़ाना कहते हैं। तो आप जल्दी से इसमें बताइए आंसर इसका क्या होगा। बाता छुड़ाना कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो और तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मगनी विवाह होता है इसको चढ़ विवाह भी बोलते हैं या चढ़ावा वाला विवाह भी बोलते हैं, चढ़ विवाह। तो मुख्य रूप से जो भारिया जनजाति होती है, बैगा जनजाति होती है, उनमें ये विवाह देखने को मिलता है। इसके माध्यम से होता क्या है कि जो लड़के वाले होते हैं, लड़की वाले लड़के के यहाँ विवाह प्रस्ताव लेके जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मंडप को मौड़ मौड़िया कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बारात निकालते समय स्त्रियाँ लड़की को पकड़ लेती हैं जिसे बाराती छुड़ाते हैं, इसी को बाता छुड़ाना कहा जाता है। ये तीनों बात बिल्कुल भारिया के मगनी विवाह को लेके सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी एक दो और तीन। देखिए, मैं कुछ कठिन भी प्रश्न बना सकता था, इसको घुमा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि अगर आप यहाँ पर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपके फैक्ट भी क्लियर होते जाएँ। ऑप्शन, चलिए ठीक है, ऑप्शन आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आए हैं, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं हमको ऐसा बनाया जाता है कि कई बार लोग टफ बनाने का प्रयास करते हैं, कठिन देने का प्रयास करते हैं, ताकि क्या हो, इसके माध्यम से बच्चा गलत क्वेश्चन को गलत कर ले। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आप अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को ले रहे हैं, तो आपके कंटेंट भी क्लियर होते जाएँ, आप बार बार इसी चीज़ को फिर पढ़ते ना बैठें, यहीं से आपका फैक्ट क्लियर होते जाए। अब मैंने आपके भारिया के बारे में पूछ लिया तो आप फिर यहाँ पर प्रश्न नहीं बना तो आप ढूंढने चले गए, फिर पढ़ने लगे, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसी से बचने के लिए मैं सारी चीज़ें यहीं पर बता देता हूँ। और आप लोगों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेंट ले रहे हैं ना, ये आपका हिंदी ग्रंथ अकेडमी से लिया गया है, साथ ही जो बीए की किताब होती हैं वहाँ से पूरा कंटेंट उठाया गया है, और मार्केट में इतनी सारी किताबें उपलब्ध हैं, सबका सार निकाल करके ये प्रश्न बनाया गया है। हो सकता है कहीं पर आपको प्रश्न देखने को भी मिल जाए, लेकिन आप मुख्य रूप से इसको यही समझिएगा, ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी को मुख्य रूप से फोकस करके बनाए गए हैं, तो आपको बार बार कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये बात हो गई हमारी किस पे? भारिया जनजाति के मगनी विवाह को लेकर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि जो सहरिया जनजाति है वो विश्वामित्र के वंशज है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐसे ही आपको देखिए नए सिलेबस में जोड़ दिया गया है, हिस्ट्री के सिलेबस में जोड़ दिया गया है कि वेद, ऋग्वेद, वेद, उपवेद,
फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उन सब के बारे में। तो आप इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, वेदों को अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, उनमें क्या विशिष्ट बातें हैं, कितने मंडल विभक्त हैं, कितने ऋचाएँ हैं, कितने श्लोक उसमें शामिल हैं, उन समस्त पहलुओं पर आप एक बार देख लीजिएगा। अब वो प्रश्न मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं ही पढ़ा देता, हालांकि हमारे क्लास उस पर लगेगी, उस पर भी हम MCQ कराने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ। अब आपको बताना है, यहाँ पर एक कमेंट में करके चीज़ें बतानी है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और आपको एक चीज़ और बतानी है कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोनों प्रश्नों का उत्तर। चलें अगले प्रश्न पे चलें। हमारा अगला प्रश्न है, सहरिया जनजात किस महापुरुष को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघनाथ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। देखिए अभी आप बोल देंगे कि इसके पहले सर आपने कहा कि विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं, लेकिन जो ये जनजाति के लोग हैं वो अपने किसको पितृ पुरुष मानते हैं, वो तो जानकारी मिलती है किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, लेकिन इस जनजाति के लोग किसको अपना पितृ पुरुष मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि। और वाल्मीकि के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। रामायण की रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। अब अगर सहरिया जनजाति की बात की जाए, सहरिया जनजाति के बारे में ये मिलता है कि दो बहनें थी, एक का नाम था भेलनी और एक का नाम था शेरनी। दो बहनें थी, सगी बहनें थी, उनसे क्या हुई, जो संतानें पैदा हुई, तो भेलनी से पैदा हुई संतानें क्या कहलाने लगी, भील कहलाने लगी, और शेरनी से पैदा होने वाली संतानें क्या कहलाने लगी, आपकी सहरिया कहलाने लगी। और सहरिया के बारे में आपको पता ही है कि इनकी पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, खुटिया पटेल, है ना। तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से जो पंचायतों का खुटिया पटेल, अब ऐसा किद्वंती मिलती है कि जब भगवान ने इन लोगों को बनाया तो जिस इंसान ने खूंटा गाड़ दिया, एक स्तंभ गाड़ दिया, उसी को क्या कहा जाने लगा, खुटिया पटेल कहा जाने लगा। तो कई सारी किद्वंतियाँ सहरिया जनजाति को लेकर प्रचलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टि से प्रदेश की पाँचवीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी गोंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहरिया। देखिए हमको पता है कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भील, गोंड व कोल पाई जाती है। उसके बाद जो जनजाति पाई जाती है पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, वो है सहरिया। और सहरिया का अगर निवास स्थान देखा जाए कि कहाँ पर इनका निवास है, तो मध्य भारत का पठार है, मुख्य रूप से जो शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड के कुछ क्षेत्र मिला लिया जाए, या फिर इधर गुना, राजगढ़, ये वाले क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए, तो यहाँ पर मुख्य रूप से किसका निवास पाया जाता है, सहरिया का निवास पाया जाता है। सहरिया के बारे में अगर थोड़ी और तथ्यों की बात की जाए तो सहरिया दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस हरिया। स मतलब साथ और हरिया मतलब शेर। तो ऐसी जनजातियाँ जो शेर के साथ रहती हैं उनको क्या कहा जाता है, सहरिया कहा जाता है, ऐसा अर्थ माना जाता है। ये इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी कहलाती है, सहरिया कहलाती है। फिर गोंड तो हमारी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, जो लगभग 33% मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहरिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी भील। जैसा कि आपको मैंने बताया कि दो बहनें थी, ऐसी किंवदंतियाँ मिलती हैं कि दो बहनें थी, एक का नाम था भेलनी और एक का नाम था सहरनी। उनसे क्या हुई, जो संतानें पैदा हुई वही क्या कहलाई, भील और सहरिया। ऐसा माना जाता है ये भील, जो सहरिया समुदाय के लोग हैं वो मानते हैं कि जो भील थे वो हमारे क्या हैं, एक तरह से भाई हैं, बड़े भाई हैं। किसके, सहरिया के बड़े भाई कौन हुए, भील। तो उनका छोटा भाई कहलाने में इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब देखिए, सहरिया की और थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए, धीरे धीरे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके फैक्ट भी क्लियर होते जाएं। तो सहरिया मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सहरियों का अगर निवास स्थान सबसे ज़्यादा देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस स्थान पर सहरियों का निवास पाया जाता है, तो स्थान है शिवपुरी। शिवपुरी से कई सारे लोग बिलोंग करते होंगे, तो शिवपुरी में मुख्य रूप से सहरिया निवास करती है। इसके अतिरिक्त एक और तथ्य की बात करें कि सहरिया जो रेडियो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, तो आपको पता होना चाहिए शिवपुर में रेडियो केंद्र स्थापित है। आपको बताना है, एक और प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कमेंट में बताइएगा कि जो जनजाति रेडियो केंद्र होते हैं, जनजाति रेडियो केंद्र होते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किस नाम से जाना जाता है जो जनजाति रेडियो केंद्र होते हैं। और यहाँ पर रेडियो केंद्र की बात हो ही गई है, तो हमको आपको ये भी बता देते हैं कि जो मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र था, पहला मध्य प्रदेश का फर्स्ट रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, अलीराजपुर में, जो भावरा नामक स्थान है वहाँ पर सबसे पहले भील रेडियो केंद्र स्थापित किया गया था, जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला रेडियो केंद्र माना जाता है। उसके बाद कई अलग अलग स्थानों पे, जैसे कोरकुओं के लिए भी रेडियो केंद्र स्थापित कर दिया गया। कहाँ पर, कोरकुओं का अगर बात करें, कोरकू का कहाँ स्थापित है, कोरकू रेडियो केंद्र खंडवा पे स्थापित है, खंडवा पे। तो मैंने तीन रेडियो केंद्रों के बारे में यहाँ पर आपसे जिक्र कर दिया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहरिया जनजाति का मूल निवास शाहबाद का जंगल है। दूसरा है, टीबी नायक की द सहरिया मोनोग्राफ में सहरिया जनजाति का उल्लेख मिलता है, उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो कोई नहीं, या उपरोक्त में से, यहाँ पर मिट गया है, एक व दो, उपरोक्त में से दोनों। अब आपको इसका सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। क्यों सत्य हैं, क्योंकि हाँ, इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है, शाहबाद का जंगल। अब बात आती है कि शाहबाद का जंगल है कहाँ, तो ये राजस्थान का जो कोटा जिला है, कोटा जिला, वहाँ पर विस्तृत जंगल है। और ये माना जाता है कि यहीं पर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सहरियाओं को निवास किया था, और ये मध्य भाग होता था। एक किंवदंती मिलती है कि पूरे धरती में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किसको बनाया, सहरिया को। और सहरिया इतने उदार प्रवृत्ति के लोग थे कि जब नए लोग बनते गए, तो उन जब लोगों ने कहा कि पीछे हट जाओ, तो ये इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि पीछे हटते गए और एकदम कहाँ पर आ गए, हाशिए पे आ गए। तो ब्रह्मा जी जब दोबारा आते हैं इस चीज़ का निरीक्षण करने की, कैसा मेरी सृष्टि किस प्रकार रची हुई है, किस प्रकार से चल रही है, तो सहरिया वाले लोगों से पूछते हैं कि तुम इतना पीछे कैसे आ गए, मैं तो आपको मध्य पे रखा था। तो सहरिया ने जवाब दिया कि आपने हमको इतना उदार बनाया था, तो हम लोगों के कल्याण के लिए पीछे हट गए।
तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि अब आप क्या रहोगे कि जंगलों में ही निवास करोगे। तो वहीं से ऐसी किंवदंती फैली है कि ये जंगलों में तभी से निवास करने लगे। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जनजातियों के संबंध में जो वहाँ के बुजुर्ग लोग जानते हैं इसके विषय में। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने क्लास के माध्यम से कवर कर देते हैं। और टीवी खाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आप क्या जानकारी मिलती है दशहरिया से? दशहरिया से ये जानकारी मिलती है कि जो ये इनके सहरिया के उपजातियाँ थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। नाम सहरिया नहीं मिलता है। तो इनको सबर बोला गया है, सबर और सबर, सबर और सबर कह करके पुकारा गया है। जो सहरिया है जो इनकी उपजातियाँ भी मिलती हैं सबर सबर और सौर उपजाति हैं, तो मुख्य रूप से जो टीवी नायक की किताब है उसमें इनको सबर कह करके पुकारा गया है। ये बात हो गई हमारी प्रश्न क्रमांक 13 को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? अच्छा, मुंडारी को कोलारियन भाषा भी कहते हैं, कोलारियन भाषा भी कहते हैं। तो मुंडारी किस जनजाति की भाषा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी पारधी और ऑप्शन डी सहरिया। जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहरिया। सहरिया मतलब जो शेर के साथ निवास करती है। सहरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने देख लिया है ना। तो मुंडारी भाषा किस जनजाति से संबंधित है मुख्य रूप से? तो सहरिया जनजाति से संबंध रखती है मुंडारी भाषा। साथ ही और भी जनजातियाँ जो है मुंडारी भाषा का प्रयोग करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन से जनजाति के माध्यम से है? तो सहरिया जनजात है। अगला प्रश्न आते हैं, सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्योपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी शिवपुरी। तो अभी मैंने आपसे जैसी चर्चा की थी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्योपुर। और श्योपुर आपको पता होना चाहिए कि श्योपुर अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता है यहाँ से अफ्रीका से कई सारे हम क्या लाए थे? चीते लाए थे, चीता लाए थे, और उन चीतों की मृत्यु हो रही थी इसलिए कूनो पालपुर चर्चा में था। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो है चीतल को लेके। तेंदुआ को लेके है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तेंदुआ। पिछली रिपोर्ट जो तेंदुआ की आई थी वो 2018 में आई थी, और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 2024 में वो 2023 के परिप्रेक्ष्य में आई है। 2023 तक के पूरा सर्वे किया गया है और उसके माध्यम से ये पता चला है कि मध्य प्रदेश अब क्या हो गया है? तेंदुआ स्टेट हो गया है, तेंदुआ स्टेट। हालांकि ये पहले भी था, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते थे। अभी इन तेंदुओं की संख्या 3900 से ज़्यादा हो चुकी है, 3900 से ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं बताऊँ कि ये मैं कूनो पालपुर का नाम क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर इनका घना तो देखा जाए किसका? तेंदुओं का। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दो राष्ट्रीय उद्यानों का नाम आता है, एक कूनो पालपुर का नाम आता है और दूसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर की एक रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कूनो पालपुर और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो तेंदुआ है उनका घना तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद देखिए रिपोर्ट में कई सारे और जो राज्य हैं उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है, लेकिन मध्य प्रदेश से तो चूँकि हम बिलोंग करते हैं इसलिए जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है और कितनी तेंदुओं की संख्या हो चुकी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहरियाओं में मृत्यु के 12वें दिन दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? नंबर एक छास माठी, नंबर बी नुक्ता खर्च, नंबर सी खेका, नंबर जी नंबर डी झार फेरा। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नुक्ता खर्च। नुक्ता खर्च एक प्रकार से क्या होता है, जैसे हिंदू परंपरा में आपने देखा होगा कि तेरहवीं का त्यौहार होता है, तेरहवीं होता है, त्यौहार बोल रहा हूँ,
तेरहवीं की एक परंपरा होती है, प्रथा होती है, जिसमें मृत भोज खिलाया जाता है। वही एक प्रकार से मृत भोज की परंपरा है किसमें, नुक्ता खर्च। ये किसमें पाई जाती है, सहरियाओं में पाई जाती है। अब अगर छास माटी की बात किया जाए तो छास माटी ऐसी प्रथा है जिसमें जब व्यक्ति को किसी को मृत्यु हो जाती है और उसको जलाया जाता है तो तीसरे दिन उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है। जो उनकी समाधि होती है वहाँ पर से अस्थियों को निकाला जाता है, तो अस्थियों को अलग करने की, अस्थियों को निकालने की प्रथा होती है जो मृत्यु के तीसरे दिन संपन्न होती है। अस्थियों को निकालने की प्रथा होती है छास माठी। और अगर खेका और झारफेरा की बात किया जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये सहरियाओं की विवाह पद्धति से संबंधित है, विवाह पद्धति से संबंधित है। खेका की अगर बात की जाए तो खेका कैसे विवाह पद्धति को कहते हैं कि जब कोई विधवा स्त्री किसी अविवाहित व्यक्ति से शादी करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, तो पंचायत के द्वारा विवाह संपन्न करा दिया जाता है। उसी विवाह को क्या कहा जाता है, खेका कहा जाता है। अविवाहित पुरुष से किए जाते हैं ना, अविवाहित, तो इस प्रथा को क्या बोला जाता है, खेका प्रथा बोला जाता है। फिर अगला अगर झारफेरा देखे जाए तो ये भी विवाह पद्धति का एक प्रकार है। अब ये होता क्या है कि कई बार आपने सुना होगा कि रिश्ता पक्का हो जाता है, फिर लड़की दूसरी जगह शादी कर लेती है या फिर लड़का कहीं और शादी कर लेता है। तो इस समस्या से बचने के लिए कि जो बढ़िया दाम्पत्य जीवन निभा सके और जो बड़ों की बात है वो कटे ना, पंचायत की जो बात है वो ख़त्म ना हो, इस चीज़ को लागू करने के लिए झारफेरा विवाह होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई लड़की या लड़का विवाह के पहले ही भागने के प्लान पे है, कहीं पर जाना चाहता है या फिर विवाह तोड़ना चाहता है, तो उन लड़की या लड़के को क्या कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करके उनका फेरे करवा दिए जाते हैं, उन लड़का लड़कियों को मिला करके फेरे करवा दिए जाते हैं। इसी विवाह पद्धति को क्या बोला जाता है, झारफेरा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती हैं जनजातियों में। सहरिया जनजातियों में गोत्र को क्या कहा जाता है, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेक, ऑप्शन बी पैरुआ, ऑप्शन सी भोपा या ऑप्शन डी हतनारिया। तो इसका सही जवाब होगा बेक। तो सहरिया जनजातियों में गोत्र को बेक कहा जाता है। जैसे गोंडों में आप नाम सुनते होंगे, गोंडों में गोत्र को कुर कहा जाता है, उसी प्रकार जो पनिका जनजाति होती है उनमें भी कुर कहा जाता है, फिर कुर के समूह को कुरहा कहा जाता है। इसी प्रकार सहरियों का जो गोत्र होता है उनको क्या कहा जाता है, बेक कहा जाता है। फिर अब ये पैरुआ क्या होते हैं, पैरुआ कोई अलग चीज़ नहीं है, इनका एक गोत्र होता है, सहरिया का एक गोत्र होता है, क्या पैरुआ। भोपा तो इस इनके जो वो होते हैं सम्मान पात्र व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से कैसे कार्य करते हैं, पुरोहितों वाला काम करते हैं। ये कुछ बात हो गई किसके संबंध में, जो सहरिया जनजाति है उनके गोत्र को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अब देखिए एक कठिन सवाल नहीं है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी पनिका, ऑप्शन सी पारधी, ऑप्शन डी बंजारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहरिया। और आपको पता है सहरिया में लहंगी, दुलदुल घोड़ी, रागनी और एक और नृत्य होता है, वो होता है तेजाजी नृत्य। तेजाजी मुख्य रूप से राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं, और ये जो सहरिया जनजाति है वो भी तेजाजी देव को बहुत ज़्यादा मानती है। और आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके कि तेजाजी का मेला कहाँ लगता है। आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बताया करिए, क्योंकि जब मैं इस चीज़ पूछता हूँ तो आपका ज्ञान वर्धन ही होगा इन सब चीज़ों से। राइटिंग थोड़ा कमज़ोर आ रही है, अच्छे पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो तेजाजी का मेला कहाँ लगता है ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट कैसे करेंगे कि तेजाजी का मेला फिर डैश किस स्थान पर, तो आप इस चीज़ को कमेंट में करिएगा। पनिका के बारे में आपको पता है, पनिका स्वयं को कबीर पंथी मानते हैं, और जो अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो बघेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर इनका निवास स्थान माना जाता है, इनको बुनका भी बोला जाता है। पारधियों के बारे में आपको पता है कि मुख्य रूप से शिकार करने वाले जनजाति होती हैं। बंजारों के अगर नृत्य की बात की जाए, अब यहाँ पर नृत्य की चर्चा हो रही है तो बंजारों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से तीन नृत्य बहुत फेमस हैं। एक होता है डंडावेली,
डंडा बेली नृत्य, फिर एक होती है मछली नृत्य, और एक होती है तलवार नृत्य। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना? बस ऐसे ही चीज़ों को हम करते जाएंगे और देखिएगा आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लहंगी, ऑप्शन बी दुल्दुल घोड़ी, ऑप्शन सी रागनी, ऑप्शन डी कर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्मा, क्योंकि हमको अभी चर्चा कर चुके हैं कि लहंगी, दुल्दुल घोड़ी, रागनी और तेजा जी नृत्य किससे संबंध रखती हैं? सहरिया जनजाति से संबंध रखती हैं। कर्मा मुख्य रूप से जो गोंड जनजाति है और बैगा साथ ही कोरकू, ये जनजाति मुख्य रूप से कौन सा नृत्य करती हैं? कर्मा नृत्य करती हैं। और कर्मा जो है, कर्मा की विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं, विभिन्न स्तर होते हैं, जैसा कि पैरों की चाल होती है उसी आधार पे इनके कई सारे स्तर होते हैं। मुख्य रूप से चार स्तर पाए जाते हैं, तो हालांकि इसमें अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं, हमारा समय भी ज़्यादा हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति में जादू टोना, भूत प्रेत, बाधाओं और झाड़ फूक करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपा, ऑप्शन बी पड़ियार, ऑप्शन सी गुनिया या ऑप्शन डी दलगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भोपा। भोपा ऐसा सम्मान पात्र व्यक्ति होता है जो मुख्य रूप से जादू टोना, बाधाओं को दूर करने वाला, झाड़ फूक करने वाला काम करता है। गुनिया इनके संबंध में ऐसा व्यक्ति होता है जो इनको जादूगर बोला जाता है, जादूगर। हालांकि ये जादू टोना से अलग है थोड़ा, भूत प्रेत और बाधाओं झाड़ फूक करने वाले से अलग है, लेकिन गुनिया इनके इनका एक संबंधित व्यक्ति होता है इस जनजाति से संबंधित, जो मुख्य रूप से जादूगरी का काम करता है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा समाज में गांव का रक्षक देवता किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी बागेश्वर देव, ऑप्शन सी नागेश्वर देव या ऑप्शन डी भूतेश्वर देव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ठाकुर देव। अगर कोई भी समूह हो जाए, कोई भी समाज हो जाए, कोई भी जनजाति समूह हो जाए और उसमें ऐसा पूछा जाए कि गांव का रक्षक देवता कौन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ठाकुर देव ही होते हैं जो पूरे गांव की रक्षा करते हैं। एक और देव का नाम आता है मेघनाथ, मेघनाथ। अब मेघनाथ में मुख्य रूप से जो भारिया जनजाति होती है उनको वो स्थान देती है मेघनाथ को, कि गांव के बाहर एक मेघनाथ स्तंभ लगा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य ये रहता है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, वो गांव में प्रवेश न कर सके और जिससे पूरे समाज के क्या हो सके, रक्षा हो सके। इस प्रकार ठाकुर देव भी क्या होते हैं, पूरे गांव के रक्षक देवता माने जाते हैं। और इनकी चर्चा हमने कोरकुओं की जब चर्चा कर रहे थे अभी पिछली क्लास में, हम ठाकुर देव के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और बागेश्वर देव की अगर बात की जाए तो बागेश्वर देव अन्न के देवता होते हैं, तो जो अनाज उत्पादन होता है, कृषि कार्य होता है, अनाज या कृषि कार्य होता है, उनके संबंध में पूजा की जाती है किसकी, बागेश्वर देव की। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बैगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती की जाती है, इस खेती को करने से पूर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बूढ़ा देव, ऑप्शन बी ठाकुर देव, ऑप्शन सी बागेश्वर देव या फिर ऑप्शन डी बजारिन माई। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो बैगा होते हैं, बैगा की खेती क्या होती है, बेवार कहलाती है। बेवार एक प्रकार क्या है, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि, बेवार या एक और नाम मिलता है इसका पेंडा, बेवारिया पेंडा बोलते हैं इनकी खेतियों को। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बैगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती करने से पूर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अभी मैंने बताया कि खेती से संबंधित जो पूजा होगी हमेशा बागेश्वर देव उसमें संबंध रखेंगे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बागेश्वर देव। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैगा जनजात में
गांव का पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवार, ऑप्शन बी समरत, ऑप्शन सी मुकद्दम या ऑप्शन डी कोटबार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवार। अब जो बैगा जनजाति होती है मुख्य रूप से पंचायतों के माध्यम से चलती है और पंचायतों में पंच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंच में पांच लोग शामिल होते हैं, तो चार लोग तो ये हो गए और एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो होता है दीवान। अभी जो मुकद्दम होता है ये पूरी पंचायत का क्या होता है? मुखिया होता है। मुखिया कौन कहलाएगा? मुकद्दम। दीवान मुकद्दम की सहायता करने के लिए बनाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण पद होता है मुकद्दम के बाद। और अगर मान लीजिए कि मुकद्दम अनुपस्थित रहता है, किसी कारणवश से कहीं फंस गया और काम पे नहीं पहुंच पाया, पूरे पंचायत में नहीं पहुंच पाया, तो दीवान पूरे निर्णय को क्या करेगा? संचालित करेगा। कोटवार क्या होते हैं? कोटवार पूरे जो समाज होता है उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। अगर कोई पंचायत निर्णय लेती है तो उस पंचायत को निर्णय को गाँव तक पहुँचाने, पूरे समाज तक पहुँचाने का काम कौन करता है? कोटवार कहता है। ऐसे ही देवार जो होते हैं पुरोहित या पंडा होते हैं और समर्थ भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, सम्मान पात्र व्यक्ति होते हैं जो पूरी पंचायत में क्या करते हैं? सहायता उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहाड़ी ढलानों में खड़े वृक्षों को काटकर बेवार खेती कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी कोरकू या ऑप्शन डी बैगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैगा। तो पोंडू या बेवार खेती किसके माध्यम से की जाती है? बैगाओं के माध्यम से की जाती है। आपको पता है कि जो कोल होते हैं वो कोयले के खदान पे काम करना पसंद करते हैं और खेतिहार मजदूरी करने को पसंद करते हैं। कोरकू भी मुख्य रूप से स्थानांतरित के भी कहते हैं उसको बदलवा बोलते हैं। बदलवा जो कोरकू जनजाति होती है वो बदलवा कृषि कहती है, इसको भी बेवार खेती या फिर पोंडू या फिर स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भील के बारे में आपको पता है कि भील क्या कहते हैं। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लमसेना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरकू, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी बैगा। अब लमसेना विवाह की अगर बात करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि होता कैसा है, तो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो पिता होता है वो असमर्थ होता है अपने बच्चों की शादी करने के लिए, लड़के का जो पिता होता है। अब जनजातियों में एक चीज़ प्रचलित होती है, क्या? वधु मूल्य। तो वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है, तब बात क्या होती है कि पंचायतों के साथ मिलकर या फिर जो लड़की का पिता है और लड़के के पिता है मिल के क्या करते हैं, ये साठगांठ करते हैं कि जितने दिन आप क्या करें, यहाँ पर सेवा, एक विवाह का नाम सुने होंगे सेवा विवाह, या एक चीज होती है जिसको बोलते हैं घर जमाई। तो क्या करता है लड़का कि स्त्री से शादी कर लेता है और बदले में क्या जाता है, अपने ससुराल जाता है, वहीं पर रहने लगता है। तो दो स्थिति बन सकती है, एक तो सेवा विवाह वाली स्थिति बन सकती है, एक घर जमाई वाली स्थिति बन सकती है। तो जिंदगी भर कहाँ पर रहे, अपने ससुराल में रहे या फिर उतनी सेवा कर दे जितना पंचायत निर्धारित करती है कितने समय करना है, कितने समय उपरांत ये तय हो जाएगा कि वधु मूल चुकाया जा चुका है। ऐसी प्रक्रिया करके इस विवाह को संपन्न कराया जाता है। ये मुख्य रूप से दो जनजातियों में देखने को मिलता है, मुख्य रूप से एक होती है बैगा और दूसरी होती है कोरकू। तो हालांकि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब प्रश्न आएगा कि लमसेना किस जनजाति के विवाह को प्रथा है, तो आप इस पे कोरकू पे प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक, बैगा में भी होता है लेकिन कोरकू को प्राथमिकता दीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। लमसेना विवाह को कोरकू को प्राथमिकता देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोरकू बस ऑप्शन है तो कोई बात ही नहीं, मान लीजिए बैगा कोरकू है तो यहाँ पर स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करना है, और मान लीजिए कि बैगा बस है और कोरकू नहीं है तो फिर बैगा लगाना है आपको वहाँ पर। ये बात हो गई हमारा किसको लेके, लमसेना विवाह को लेके। और आपको पता है ये प्रश्न चूँकि आ चुका है इसलिए मैंने पूछा है और PSC ने इसमें दोनों आंसर को सही माना है। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुड़िया, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी भारिया। आपको इन प्रश्नों के आधार पर बताना है कि कर्मा किससे संबंधित नृत्य है इन्हीं ऑप्शनों के हिसाब से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैगा। देखिए बैगा में दो नृत्य बहुत फेमस है, दो नृत्य, उसके बाद भी कुछ नृत्य होते हैं लेकिन दो नृत्य बहुत फेमस है। एक होता है क्या आपका, परधौनी
और दूसरा कर्मा। कर्मा के बारे में आपको बता दूं तो कर्मा नृत्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है कर्मा नृत्य। और ये भारत का पहला ऐसा नृत्य है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हालांकि अभी जो हाल ही में जो खजुराहो नृत्य समारोह हुआ था, 50th खजुराहो नृत्य समारोह हुआ था, उसमें कथक नृत्य के जिसमें 1484 नृत्यंगनाओं ने एक साथ डांस किया था और उसे भी किस में शामिल कर लिया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं इनके संबंध में। ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बैगा संबंधित है, ये हमारे प्रश्न की चर्चा होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दादरिया नृत्य किस का नृत्य है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी सहरिया या ऑप्शन डी बैगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैगा। बैगा रीना कर्मा सैला सुआ सजनी दीवानी इत्यादि नृत्य को क्या करती है, करती है। इसके अतिरिक्त एक होता है नृत्य परधौनी। परधौनी नृत्य के बहुत बड़े नृतक रहे हैं अर्जुन सिंह दुर्वे। मैं बार बार आपको नाम लेता हूँ अर्जुन सिंह दुर्वे, क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुके हैं। तो अर्जुन सिंह दुर्वे किससे संबंध रखते हैं, आपका बैगा जनजाति से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजात नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कठमैना, ऑप्शन बी नरोतिया, ऑप्शन सी भरोतिया या ऑप्शन डी बगोरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बगोरिया। बगोरिया जो है बैगा जनजाति की कोई उपजाति नहीं है। और कठमैना रायमैना कठमैना नरोतिया भरोतिया ये सब किसके संबंध में, बिजवार एक और जनजाति होती है क्या, बिजवार एक और जनजाति होती है गोंडमैना। अगर एक और ऑप्शन आ जाए कि गोंडमैना जनजाति का संबंध किससे है तो वो क्या माने जाते हैं, बैगा। और गोंडमैना सबसे निम्न जाति के इनकी जनजाति मानी जाती है, निम्न स्तर होता है इनका। और जो भरोतिया होती है इनका सबसे स्तर उच्च होता है, उच्च स्तर होता है समाज में। भरोतिया का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। तो ये समाज में सम्मान पात्र जनजाति कौन मानी जाती है। जैसे अपने यहाँ विभिन्न जातियों को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार से जनजातियों में भी भरोतिया को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, उनको विशेष पहचान मिलती है, उसको उच्च जाति के लोग माने जाते हैं। तो ये उच्च स्तर होते हैं, इसका अर्थ होता है भरण पोषण करने वाले। जो गोंड मैना होती है उनको निम्न स्तर वाली जनजाति कहा जाता है। और अगर कट मैना की बात की जाए जो काठ का काम करते हैं अर्थात फर्नीचर का काम करते हैं, ऐसी जनजाति को क्या बोला जाता है, कठमैना जनजाति बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गोंडवांचल क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा धान की फसल काटने के अवसर पर कौन सा नृत्य तोतों को संबोधित गीतों पर किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुअर नृत्य, ऑप्शन बी बिरहा नृत्य, ऑप्शन सी सजनी नृत्य, ऑप्शन डी सैला नृत्य। तो इसका सही जवाब देखिए, तोता को बोला जाता है क्या, तोता को सामान्य भाषा में स्थानीय भाषा में सुआ भी बोलते हैं, सुआ या सुग्गा स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है। तो अगर इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा सुआ नृत्य, जो मुख्य रूप से जब धान की फसल कटने का अवसर आता है उस टाइम पे किया जाता है। बिरहा नृत्य की बात किया जाए तो ये गोंड जनजाति द्वारा स्त्री परक किया जाने वाला नृत्य है जो विरह के गीत पर आधारित होता है, विरह गीत पर आधारित होता है। सजनी की अगर बात करें तो ये बहुत ही ऐसा नृत्य है जिसमें जो समधी और समधन होती है वो मिलकर इसमें नाच डांस करते हैं। तो गोंड जनजाति का एक पारिवारिक नृत्य है जिसमें समधी और समधन आपस में मिलकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। और सैला नृत्य की अगर बात की जाए तो सैला नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है,
इसमें पूरी रूप से पूर्ण रूप से सैला में पुरुष शामिल होंगे और इसमें स्त्रियां शामिल नहीं होंगी। सैला का अर्थ इसमें चट्टान को भी माना जाता है, इसलिए इस नृत्य को कभी कभी शैला भी कहा जाता है, शैला नृत्य। तो ये थोड़ी बातें थी कि इसके संबंध में जो गोंड जनजाति हमारे यहाँ रहती है, कहाँ पर? दक्षिण पूर्व भाग अर्थात गोंडवांचल क्षेत्र में, नाम ही है गोंडवांचल क्षेत्र में गोंड रहेगी, और यहीं पर एक बहुत बड़ी रियासत स्थापित हुई थी जिसको हमको पढ़ना भी पड़ता है मेंस में, गोंडवाना रियासत, जिसकी एक शासिका रही थी। कौन सी शासिका? अवंती बाई, जिन्होंने 1857 पे जो वार्डन था उसके खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था, विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये सारी बातें जो हुई आज के प्रश्नों को लेकर हो गई, काफ़ी समय भी हो चुका है और समय बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, हम ज़्यादा प्रश्न कर नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएं और एक निश्चित समय पर सारी चीज़ें हो जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास पे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही हमारे चैनल पे अन्य चीज़ें भी चल रही हैं, उनसे भी आप जुड़े रहिए, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी प्रश्नों को क्रम बाय क्रम से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले मुलाकात अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप बिना IAS से जुड़े रहिए। नमस्कार।